खबर शुरुआत से यहाँ पर पारस छाबड़ा को लेकर कहा जा रहा था कि वो लव ट्रायंगल बना रहे हैं। शुरुआत में वो शहनाज के साथ थे और दूसरी तरफ उन्होंने मायरा का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि अब इस ट्रायंगल के बीच में अब उनसे पूछे गए हैं कुछ सवाल जो कि तीखे रहे हैं लेकिन बिल्कुल सही पूछे गए हैं। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर मायरा से सवाल किया गया कि पारस छाबड़ा जब आपको किसी करते थे, हक करते थे, आपकी मम्मी को पसंद नहीं आता था, और जब आपकी मम्मी आई थी तो उन्होंने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि मेक अ डिस्टेंस, अपना खुद का करो, उससे थोड़ा दूर ही रहो। तो यहाँ पर पारस ने कहा, और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आपके लिए पारस की दोस्ती ज्यादा मैटर करती है अपनी मम्मी से। तो उनके कहने के बावजूद कुछ दिनों में ही आपका वापस से वही चीजें कंटिन्यू हो गई। तो क्या आपके लिए ऐसा है कि मम्मी की बातों से ज्यादा आपके लिए पारस की दोस्ती मैटर करती? इस पर पारस ने जवाब देते हुए कहा कि जब आप कुछ गलत कर ही नहीं रहे हो तो यहाँ पर उस बात को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। और रही बात मम्मी की, तो मम्मी को घर जाकर अच्छे से समझा सकते हैं कि आखिर चीजें हैं किस तरीके से। तो यहाँ पर वही रिपोर्टर उनसे ये भी सवाल करते हैं कि चलो ये तो बात रह गई उनकी मम्मी की, लेकिन जब शहनाज के पापा आए थे तो उसको लेकर भी आपने बहुत कुछ कहा था। इस पर पारस ने कहा कि आई नो मैंने कहा था, लेकिन बात ये थी कि वो यहाँ पर उस बात को लेकर, माहिरा को लेकर आना, शहनाज को लेकर आना आग लगा के चले गए थे, उल्टा मुझे डिमोटिवेट करके गए, वो चीज मुझे पसंद नहीं आई और वो चीजें उसी का रिएक्शन थी। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।